मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 16 नवंबर 2022 के अब साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे के बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्टली ये वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्टली ये वर्षा देते हैं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है। तो उत्तर में बाबा समझा रहे हैं कि जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। ये बहुत समझने की बात है। कहावत है कि परमपिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेज देते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए, तो वह आकर धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि वह कोई को वर्षा देते हैं, नहीं, वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वर्षा देने वाला एक बाप है। क्राइस्ट की आत्मा कोई सभी का बाप थोड़ी ही है जो वर्षा देगी। वह तो क्रिश्चियन का भी बाप नहीं जो वर्षा देवे। भला वे कौन सा वर्षा देंगे, प्रश्न उठता है, और वर्षा किसको देंगे। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती जाती हैं, वर्षे की बात ही नहीं। बाप से वर्षा लेना होता है। समझो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए, उन्होंने क्या किया, किसी को वर्षा दिया नहीं। वर्षा देना बाप का ही काम है। वह तो खुद आते हैं, आत्माएं आती जाती वृद्धि को पाती रहती हैं। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। ये धारण करने की बातें हैं। धारणा भी उन्हीं को होगी जो औरों को दान करते होंगे। अभी बेहद का बाप सब बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धी आदि सबका बाप एक है, सब गॉडफादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा गॉडफादर। फादर को कभी भूलते नहीं है। गॉडफादर एक ही निराकार को कहा जाता है। सब निराकार आत्माओं का बाप एक ही है। धर्म स्थापकों का भी वह निराकार एक बाप है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सब गॉडफादर कहकर पुकारते हैं। एक भारत ही है जिसमें कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखे हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो। साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं, बाप तो पूछेंगे ना। क्रिएटर सबका एक है, वही पतित पावन है। सतयुग में सभी पावन ही होते हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं। लिखा हुआ है कि देवताएं ही वाम मार्ग में जाते हैं। अब फिर पावन दुनिया बन रही है। द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू होती है। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य आधाता है। भारत की ही बात है। रावण को भारत में ही जलाते हैं, तो बाबा ने समझाया है और धर्म स्थापक किसी को भी वर्षा नहीं देते हैं, बाकी धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से वह कुछ भी नहीं दे सकते। देने वाला बाप ही है, उनको सम्मुख आना पड़ता है।
श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं ऐसा कोई भी मानते नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूँ। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बाप दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाबा और दूसरा आत्माओं का बाबा, और कोई बाबा हो ही नहीं सकता। तो तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा भी वर्षा उनसे लेते हैं। वह सर्व के सदगति दाता है, सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़े। भल कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, परंतु बाप है नहीं। बाप एक लौकिक दूसरा पारलौकिक ही होता है। यह ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है, तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। भल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा तो उनसे मिलता है ना। तो कौन सा वर्षा? सदगति का। दुर्गति व जीवन बंध से तो सब छूटते हैं। इस समय भारत खास, सारी दुनिया आम, रावण के बंधन में है। आत्माएं जो पहले पहले आती हैं, तो पहले जीवन मुक्त फिर जीवन बंध बनती हैं। पहले सुख फिर दुख भोगना है, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। मैसेंजर लोग भी किसी को वर्षा देते नहीं हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही देते हैं, परंतु किन्हीं को डायरेक्ट किन्हीं को इनडायरेक्ट। तुम बच्चों के सम्मुख ही बाप होता है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे ही नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? शिव बाबा कहते हैं कि हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देने ही है, तो बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे। मेरा पाठ ही ऐसा है, पति तो दुनिया में आता हूँ, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग बताते नहीं। स्वर्ग तो पीछे आता है, मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में पराए राज्य में आना पड़ता है। गाते भी हैं दूर देश के रहने वाले, तो इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी वह तो पराए राज्य अर्थात रावण राज्य में आएंगी, पावन राज्य में तो नहीं आएंगी। उन्होंने का थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पाठ है। तुम सतयुग से लेकर फुल सुख देखते हो, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप तुम बच्चों को बैठ राज समझाते हैं कि मैं कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, इसमें सुख ही सुख है, और उसके लिए तुमको लायक बनाता हूँ। तुम समझते हो कि हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बनाया है। बाप कहते हैं कि अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो, नारद की कहानी है ना। तुम समझ सकते हो कि भारत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे भरेगा, जब तक राजयोग सीख पवित्र न बने। भल शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम तो मुख वंशावली हो, ये बड़ी समझने की बातें हैं। यह रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर देते हैं। सब पॉइंट्स कोई समझ भी नहीं सकेंगे। यहाँ से बाहर गए, कोई का संग मिला और खत्म। कहा भी जाता है संग तारे को संग बोरे। भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु पूरा बुद्धि योग नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। कोई भी किसी में आदत है तो उसका संग करने से वह असर छट पड़ जाता है। यहाँ है बाबा का संग, ठीक है। तो बाबा कहते फिर जो बाप को फॉलो कर और को भी उद्धार करते हैं, वही ऊंच पर पाते हैं। कई नए नए बच्चे कहते हैं कि बाबा हम नौकरी आदि छोड़ इस सर्विस में लग जाएं, तो बाबा कहते हैं आगे चल, माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। अनुभव कहता है कि ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए, ईश्वरीय जन्म तो लिया फिर माया ने घसीट लिया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक घुसा लगाए बेहोश कर देती है। जिनका बुद्धियोग बाहर भटकता रहता है पुराने संबंधियों आदि में, इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धियोग जास्ती मत रखो। इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार है, तो भी इनसे बुद्धियोग मत लगाओ।
बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो। सत्संगों में सब शरीरधारी ही सुनते हैं, कोई महात्मा का नाम लेते हैं। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस रचना का चैतन्य बीज मैं हूँ। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है, वह तो जड़ बीज है। चैतन्य होता तो सुनाता। मुझ बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज होगी, यह है बेहद की बात। इस समय तमो प्रधान राज्य है तो उनका भवका जरूर होगा। कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं, ज्ञानेश्वर गंगेश्वर, लेकिन आनंद तो कोई को मिल नहीं सकता। सन्यासी खुद कहते हैं सुख का गविष्ठा समान है, लेकिन स्वर्ग का नाम भूलते नहीं हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर पितरों को बुलाते हैं। आत्मा कोई में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है कोई नहीं जानते। शरीर दूसरे का है, खाएगी भी उनकी आत्मा, उनके पेट में पड़ेगा। हाँ, बाकी वासना बह लेती है। शिव बाबा तो है ही अभोक्ता, कुछ खाते नहीं। मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है, पितर भी आते हैं तो खाते हैं। यह बातें समझने की है। तो सिवाय एक के किसी को बाबा नहीं कहा जाता। इनसे क्या वर्षा मिल सकता? कुछ नहीं मिल सकेगा। क्राइस्ट ने वर्षा दिया है क्या? उन्होंने तो लड़ाई कर राजाई स्थापन की है। क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई की। जब धन की वृद्धि हो, धन इकट्ठा हो, तब राजाई चल सके। ऐसे थोड़ी है कि क्रिश्चियन ने राजाई दी। राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है, ऐसे कहेंगे। बाकी मनुष्य किसी को कुछ दे नहीं सकते। अगर देते हैं तो अल्पकाल का सुख। अभी तो तमो प्रधान है, माया का बहुत जोर है। अब माया से युद्ध करना है। माया जीते जगत जीत। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं। मन ऐसे थोड़ी शांत हो सकता है। यह तो कुछ सीखते हैं जो हिप्नोटाइज आदि कर अनकॉन्शियसनेस कर देते हैं। मेहनत लगती है, किसी की तो ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कहते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अपना मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। देहधारी से बुद्धि को हटाना है। सबको भूल जाओ, आप मोए मर गई दुनिया। दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड पड़ता है। तुम कहते हो कि बाबा हम मर चुके हैं, हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। बहुत हैं जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है। याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते हैं। यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके हैं ना, तो बुद्धियों कहाँ जाना नहीं चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, गोया मर गए। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे? कोई फिर घर में लौट भी आते हैं, कोई पक्के होते हैं, बिल्कुल याद भी नहीं करते। तुम बच्चों की भी बुद्धि अगर बाहर जाती रहती है तो ऊंच पद पा न सके। बच्चे बने हो तो फॉलो फादर पूरा करना चाहिए। कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो मरकर भी उस तरफ चले जाते हैं। 5% बुद्धि यहाँ है, 95% बुद्धि बाहर है, भटकती रहती है ना, ना इधर के ना उधर के। बाप के बने फिर बुद्धि ही खत्म। मर गए इस बेहद के संन्यास में बिरला ही कोई आ सकता है। माला का दाना भी वही बन सकता है, यह तो तकदीर है। यहाँ जो आकर रहते हैं उनको मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता है कि यहाँ वालों को जास्ती मेहनत लगती है। बाहर में रहने वाले बड़े तीखे चले जाते हैं, किसी में मोह नहीं जाता। समझते हैं कहाँ ये बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं। वह भी देखना पड़ता है ज्ञान में पक्के हैं। अगर कच्चे होंगे और पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है। जब तक अच्छी दीति नहीं मरे हैं तो जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। यहाँ तो बाबा कहा, बस बाबा के बन गए, पुराना संबंध छूटा। वह जाने उसके कर्म जाने, हम क्या जाने। इतनी उछल होनी चाहिए। ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाप मिला बस और किसी की परवाह नहीं।
इतनी हिम्मत चाहिए। सच्ची दिल हो श्रीमत पर चलता रहे तो कोई को भी रोक नहीं सकते हैं, पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है, बुद्धि को देहधारियों से हटाना है, बेहद का संन्यास करना है। सेकंड पॉइंट है बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है, सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत और हिम्मतवान बनना है। बाबा ने आज वरदान दिया, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो हर कार्य करो, बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ हैं, सेवा में साथी हैं और स्थिति में साथ हैं, सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्म स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होता। स्लोगन है स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।